हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेवलर्स हेल्प। आज मैं फिर से एक टिप्स लेकर हाजिर हो चुका हूँ जो ट्रैवलिंग के दौरान आपको काम आएगा। दोस्तों, जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, सबको ट्रेन का खाना को लेकर बहुत परेशानी होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है और हाइजीनिटी भी मेंटेन नहीं करते हैं कभी कभी, तो सबको परेशानी होता है खाने को लेकर। तो मैं आज ऐसा एक ऐप लेकर हाजिर हो चुका हूँ जिस ऐप पर आप ट्रेन में चलते हुए फूड ऑर्डर कर सकते हैं और ये बिल्कुल IRCTC अप्रूव्ड है, तो कोई परेशानी भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप आपका अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर ऑप्शन पर जाएंगे और उधर सर्च करेंगे या IRCTC फूड ऑर्डरिंग ऐसा लिख के सर्च कर सकते हैं, तो आपके पास ये ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। उसके बाद पहले ही आपको इधर एक अकाउंट, मतलब आपका जो IRCTC अकाउंट है उस पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप लॉगिन कर लेंगे उधर। उसके बाद IRCTC के अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो PNN नंबर है, मतलब आपने जो ट्रेन का टिकट खरीदा है, टिकट का जो PNN नंबर है 10 डिजिट वाला, वो इधर एंटर करेंगे एंटर PNR ऑप्शन पर। तो इधर हम एंटर कर देते हैं, सबमिट कर लेंगे और जो भी आपका ट्रेन का रूट है, जिस स्टेशन पर आपका ट्रेन रुकेगा, मतलब जहाँ पर उसका ई कैटरिंग सर्विस अवेलेबल है, वो शो करेगा। तो आप किसी भी एक स्टेशन को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपका उधर का अवेलेबल जो रेस्टोरेंट है वो इधर शो करेगा। तो आप रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद पूरा क्या क्या उधर अवेलेबल है, खाने का मेन्यू सब शो करेगा और उसका रेट भी शो करेगा और पास में एक ऐड और प्लस जो सिंबल है वो शो करेगा। जो भी आपका पसंद है, मतलब पूरा डिटेल्स में वो दिखाएगा, उनका रिकमेंडेड वाला जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं अच्छा उनका रेस्टोरेंट का, और कॉम्बोस जो कॉम्बो पैक है एक साथ दो तीन मिलके बनता है, सब कुछ, ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह, मेन, ग्रेवी वगैरह, सलाद वगैरह, स्नैक्स, डेजर्ट्स, जो भी है, बेवरेजेस, सब कुछ शो करेगा। आप एक एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे, कुछ भी जो सिलेक्ट करेंगे चेकआउट पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए इधर आपका डिलीवरी दिखा रहा है, किसको डिलीवर करेंगे और आपका फ़ोन नंबर और कौन से स्टेशन पे, कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे, सब ऊपर शो करेगा इधर, और उसको आप एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हो इधर, ठीक है। तो उसके बाद सब टोटल और उसके बाद टैक्स ऐड होके पूरा दिखाएगा। उसके बाद आप पेमेंट मोड आएगा शेड्यूल देने के बाद, तो इधर आप दो ऑप्शन मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए, एक है वॉलेट मतलब UPI कार्ड्स, मतलब प्रीपेड वाला जो पहले से आप पेमेंट कर देंगे, और आपका जो सीट नंबर है उसमें आगे वो खाना डिलीवर करके चला जाएगा। और ये IRCTC का है तो कोई, मतलब पूरा सिक्योर है, सेफ है। तो आपका सीट नंबर भी इधर शो कर रहा है और जो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी रहता है इधर कि आपका कौन सा कैश ऑन डिलीवरी का खाना लेंगे, तो ये ऐसा भी ऑप्शन रहता है। तो आप किसी भी एक चूज़ कर सकते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी देते हैं तो मतलब जब खाना लेके आएगा वो, तो अब वो आपके खाना दे के आपके पास से पैसा लेके जाएगा। तो अब मैंने कैश ऑन डिलीवरी दे दिया, देखिए इधर थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन शेड्यूल्ड ऐसा आ गया, ठीक है। और इधर एक OTP भी आ गया, ठीक है। तो उस दिन पे जब मेरा ट्रेन उस स्टेशन पे पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली उसी रेस्टोरेंट से एक बंदा आकर मेरा खाना डिलीवर करके जाएगा और पैसे भी लेकर जाएगा, और साथ में ये OTP भी देना पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही हम एकदम इजी तरीके से अपना खाना बुक कर सकते हैं ऑनलाइन पे, और अपने सीट पे बैठे बैठे आप एकदम टेस्टी खाना और हाइजेनिक खाना आप पा सकते हैं। और रेल ट्रेन का जो पेंट्री कर रहे उधर में जो, मतलब बिना टेस्टी वाला खाना है, तो उसको वो भी आप छोड़ सकते हो और ये नया तरीका आप अपना सकते हो। तो कैसा लगा ये नया ट्रिक, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना
और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना, ताकि सबको ये हेल्प हो, सबको भी ये प्रॉब्लम रहता है ट्रेन की खाना को लेकर, तो ये रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम है इसको छोड़कर कुछ नया ट्राई करने का मौका मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैप्पी जर्नी।